सुप्रीम कोर्ट के रीनीट ना होने के डिसीजन के बाद सारे स्टूडेंट जो नीट यूजी 2024 के लिए एस्पिरेंट्स थे उनको काउंसलिंग का इंतजार था। री रिजल्ट जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद री रिजल्ट निकाला गया तो उसमें कट ऑफ जो थी नीट की उसमें 2 मार्क्स का डिफरेंस आया। पहले 164 था, उसके बाद 162 हो गई, इसके बाद जो है पीएच कैटेगरी में 144 हो गई, इसके बाद कैटेगरी में 127 का कट ऑफ मतलब डाउन साइड 2 मार्क्स का चला गया। उसके बाद बच्चों को ये था कि 24 से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार था। इसके बीच जो अभी अपडेट आई है वो यूपी स्टेट से है। यूपी स्टेट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें काउंसलिंग के प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी दी है। इसके साथ तमिलनाडु ने भी एक नोटिस निकाली है जिसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उन्होंने दिया है, जो बच्चे रेडी करके रखें क्योंकि काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये अपडेट है अभी। सो फ्रेंड्स, अभी आप तैयार हो जाएं क्योंकि अब नोटिफिकेशन काउंसलिंग से ले आनी चालू हो गई है। एमसीसी का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट ये नोटिफिकेशन एक पॉजिटिव साइन है कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी। इसके साथ अगर यूपी की बात करें तो ये एक नोटिफिकेशन है जो यूपी डीजीएमई ने नोटिस जारी किया है, इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं। मैं एक बार कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो 2023 से डिफरेंट हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है ये यूपी डीजीएमई की नोटिफिकेशन है, और जो है इसमें पहले है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से करेंगे, ब्राउचर जो है और उसके सिक्योरिटी मनी को लेके है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है जो ब्राउचर तैयार करेगा वो केजीएमई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिनिधि करेंगे, ये इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। एलिजिबिलिटी जो उत्तर प्रदेश के लिए है उसमें नीट में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके अलावा कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेगा वो कैटेगरी के बेस पे वहां पे जाएगा। इसके अलावा जो उन्होंने फोर्थ पॉइंट है कि आपको मूल निवासी वहां के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको डोमेसाइल कंपलसरी है, उस डोमेसाइल में आप 10th और इंटरमीडिएट कोई भी वहां से होना कंपलसरी है। इसके साथ जो है आगे अगर हम जाते हैं तो जो है प्राइवेट कॉलेजों के लिए आप किसी भी स्टेट से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे 2023 में था वहां आपको डोमेसाइल की जरूरत नहीं है। सो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको ये रजिस्ट्रेशन की साइट होगी upneet.gov.in, लास्ट ईयर भी यही साइट थी। इसके अलावा जब हम आगे जाते हैं तो आपको ₹2,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा जो आपको राउंड 1 और राउंड 2 में देना पड़ेगा, और 1,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा जो आपको स्टे वैकेंसी में आपको करना पड़ेगा। स्टे वैकेंसी में आपको नया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, विदाउट न्यू रजिस्ट्रेशन आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो सिक्योरिटी मनी होगी वो गवर्नमेंट के लिए आपको ₹30,000 और प्राइवेट के लिए आपको ₹2,00,000, और डेंटल के लिए आपको प्राइवेट डेंटल के लिए आपको ₹1,00,000 होगा। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹2,00,000 जो है सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। आगे आप पूरा ब्राउचर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये लिंक में डाल दूंगा तो आप वहां से पूरा ब्राउचर, मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है वो समझा दे रहा हूं। इसके साथ जो है ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी डेंटल कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल और प्राइवेट डेंटल दोनों के लिए जाना है तो वहां आप ₹1,00,000 आप दोनों के लिए जो है सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं। सो अब आते हैं फ्रेंड्स अभिलेखों का सत्यापन, दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये पॉइंट अगर देखें तो यहां आपको 10th की मार्कशीट, इंटरमीडिएट और 12th की मार्कशीट, इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी में आप हैं ओबीसी एससी एसटी का
तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाते हैं तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, बट इसके लिए आपको नोडल सेंटर ये आपको भरने पड़ेंगे। ये चॉइस में कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इन नोडल सेंटर पे जाके आप या इन नोडल सेंटर से कनेक्ट करके उसको क्लियर कर सकें, या कुछ भी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन अगर मिस करती हैं या कोई भी चीज़ें होती है तो आपको जो नोडल सेंटर आप चॉइस में डालेंगे वहीं से आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो भी आपके नियर में सेंटर्स हैं वो आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो ये आपको 20 जो है सेंटर्स हैं नोडल सेंटर। अब आते हैं आरक्षण पे। अगर आरक्षण की बात करें तो आपको एससी आपको 21% और एसटी 2%, ओबीसी आपको 27% और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 10% का यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है। अब आते हैं जो वहाँ के प्रदेश की योजना है एससीपी का, उसके अंतर्गत आपको राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालंधर, सहारनपुर, इन कॉलेजों में जो वहाँ के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जो है ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उनमें से आपको 62% आपको अनुसूचित जाति, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको एससी, एसटी का 5 और जो है आपको ओबीसी का 11, ठीक है, और जनरल का 7 सीट, मतलब 85 सीट्स में से ये इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता सेनानी 2%, भूतपूर्व सैनिक आपको 2%, जो है दिव्यांग 5%, ये सारे आपको डिस्ट्रीब्यूशन है जो कैटेगरी वाइज जिनको जो है आरक्षण मिला है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं काउंसिलिंग प्रक्रिया में। इसमें से 4 राउंड में काउंसिलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप और स्टे वैकेंसी, ये आपके काउंसिलिंग प्रक्रिया का सारा चीज है। सो इसमें जो मेन पॉइंट है काउंसिलिंग प्रक्रिया में, इसमें है कि आप जो है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसिलिंग से आवंटित सीट को आप थर्ड राउंड की काउंसिलिंग तक अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आप यूपी में जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है, उसको आप थर्ड राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं तो जो आपको अपग्रेड सीट मिलती है उसको आपको लेना पड़ेगा, पुराने सीट को आप छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ अपग्रेड में जो भी आप कॉलेज डालते हैं वो पहले राउंड में, उससे पहले राउंड में जो सीट, जो कॉलेज आपको आवंटन हुआ है या अलॉट हुआ है, वो कॉलेज आपको उस ऑप्शन में नहीं डालना है। अब फ्रेंड्स आते हैं जो है आपका राउंड वाइज काउंसिलिंग को लेके। जो इस बार जो काउंसिलिंग में सबसे चेंजेस जो आया है यूपी में, क्योंकि यूपी में आपको पता है कि 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट है, 2023 तक वहाँ फ्री एग्जिट था। अगर आपको राउंड 1 में भी कॉलेज मिलता है तो वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके 2 लाख के अमाउंट जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिटेड हो। लेकिन इस बार जो इन्होंने चेंज किया है यूपी में, इस बार अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आप वो फ्री एग्जिट है। जो एमसीसी का जो है गाइडलाइन उसी हिसाब से इन्होंने इस बार चेंज किया है कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रखा है। अगर फर्स्ट राउंड आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अब आते हैं दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में। दूसरे राउंड में आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपको लेना कंपलसरी होता है। हाँ, अपग्रेड आप थर्ड राउंड तक कर सकते हैं जैसे पहले दिया हुआ था। सेकेंड राउंड में कॉलेज लेना अनिवार्य होगा। सेकेंड राउंड में अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपको कॉलेज लेना कंपलसरी है। थर्ड राउंड तक में भी आपको कॉलेज लेना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर सेकेंड राउंड में आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको फॉरफिटेड हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी मनी। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि कॉलेज लेता है और वो थर्ड राउंड तक छोड़ता है तो उसको सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ
उसको जो उन्होंने फीस सबमिट करी है उसका 50% भी जो है फीस फॉरफिटेड हो जाएगा, 50% फीस जब्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है ये आपको कन्वर्जन कैटेगरी है कैटेगरी वाइज कि क्या क्या किस कैटेगरी में आता है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो अब आते हैं प्रवेश प्रक्रिया पे। अगर हम वहाँ पे कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आप किस तरह आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या है कि अगर किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में अगर होता है तो वहाँ आपको जो है व्यक्तिगत रूप से आपको उस कॉलेज में जाके प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज में वहाँ अलॉटमेंट मिलता है तो वहाँ जो नोडल सेंटर की सूची दी जाएगी उसमें ही आपको जाके एक टाइमलाइन दिया जाएगा जिसमें आपको वहाँ जाके प्रक्रिया पूरी कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलेज में जाके जो है वहाँ का जो फी है वो सारा चीज़ आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी सिक्योरिटी मनी होगा वो फीस में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जो भी ट्यूशन फीस है वो सिक्योरिटी मनी से अलग आपको पे। अगर कोई भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो आप सिक्योरिटी मनी वहाँ जमा करते हो वो इंक्लूड होके वो फीस में ही पार्ट होगा, वो नहीं होता है। वो सिक्योरिटी मनी के अलावा आपको फीस पूरा जमा करना होगा। इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाँ अब आते हैं त्याग पत्र वाला, मतलब आप कॉलेज छोड़ने का किस तरह का है रूल यूपी में उस पर अगर आते हैं। तो फर्स्ट राउंड आप कॉलेज अगर छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड इन्होंने फ्री एग्जिट दिया है 2024 में। और छोड़ने का टाइमलाइन क्या है, आप जब से दूसरा राउंड स्टार्ट होगा उससे आपको 2 दिन पहले आपको छोड़ना होगा। जैसे सपोज इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप 24 जुलाई को काउंसलिंग नेक्स्ट शुरू हो रही है तो आपको 22 जुलाई तक आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब आपको 48 आवर्स पहले आपको सीट जो है छोड़नी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट काउंसलिंग में वो सीट चली जाएगी। अगर हम सेकेंड राउंड में छोड़ते हैं तो वहाँ आपके जो सिक्योरिटी मनी है 2 लाख रुपया वो फॉरफिटेड हो जाएगी। थर्ड राउंड में अगर आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी के साथ फीस का 50% आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये है आपको सीट छोड़ने की प्रक्रिया थर्ड राउंड तक। इसके अलावा अगर स्टे वैकेंसी में अगर आप छोड़ते हैं तो यहाँ आपकी पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी। साथ में अगर कहीं आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड की गई है तो वो आपको दोबारा लौटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी पूरी जो है आपको फॉरफिटेड हो जाएगी। तो दैट मींस फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट है। अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से 2 दिन पहले आप सीट छोड़ते हैं तो वहाँ आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। सेकेंड राउंड में अगर छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी। थर्ड राउंड में छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी के साथ साथ 50% फीस डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप स्टे वैकेंसी में छोड़ते हैं तो आप सिक्योरिटी मनी और जो टोटल फीस है वो सारा आपका चला जाएगा। अब इसके बाद बॉन्ड कंडीशन है, ये सारी प्रक्रिया। तो ये आपको एक तरह से जो है क्या प्रक्रिया होगी नीट यूपी के काउंसिलिंग में, क्या क्या पॉइंट्स थे, तो वो सारा चीज़ था फ्रेंड्स जो इन्होंने अपने इसमें नोटिस में निकाला है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर एक बार पढ़ लेना। जो मोटा मोटा था, जो मेन पॉइंट था, इस बार फ्री एग्जिट जो है दिया गया है राउंड 1 में, पहले नहीं था, इस बार राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपग्रेड जो है फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है या सेकेंड राउंड मिला है तो थर्ड राउंड तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ डोमेसाइल जो है वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए नहीं। अगर डोमेसाइल का जो कंडीशन है कम से कम 10th या 12th आपको उत्तर प्रदेश से होना चाहिए,
ये मेन मेन पॉइंट है। और लास्ट में जो समरी है वो आप सीट कैसे छोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग से दो दिन पहले छोड़ते हैं तो आपका कोई भी पैसा फॉरफिटेड नहीं होगा। सेकेंड राउंड में अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी। अगर थर्ड राउंड में छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी मनी के साथ साथ आपका फीस जो जमा होगा उसका 50% चला जाएगा। अगर स्टे वैकेंसी में छोड़ते हैं तो वो आपका सिक्योरिटी मनी के साथ साथ आपकी पूरी फीस चली जाएगी। तो ये सीट छोड़ने की प्रक्रिया है। तो ये ओवरऑल यूपी का काउंसलिंग का पूरा रूल रेगुलेशन थी जो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। इसके अलावा तमिलनाडु का एक नोटिफिकेशन आया है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आपको यूजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये उन्होंने जानकारी दी है। तो जो भी तमिलनाडु के लिए चाहते हैं वो ये चीज़ों को देख लें। तमिलनाडु काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लें, क्योंकि काउंसलिंग इमीडिएट शुरू होने वाली है। इसलिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा लिस्ट दिया है जिसमें आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 12th हायर सेकेंडरी, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट है। ये भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट निकाल लेना। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन था आपको उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने पूरे रूल रेगुलेशन काउंसलिंग से लेके दिया। इसके अलावा जो तमिलनाडु ने डॉक्यूमेंटेशन की एक लिस्ट डाली है काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। सो आप एकदम इमीडिएटली आप तैयार हों काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अब आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन एमसीसी की स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी, एमसीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया दिखेगी। क्योंकि एमसीसी में जैसे मैंने बताया कि आपको पहले पीडब्ल्यूडी, फिर एनआरआई कन्वर्जन, फिर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो मोस्टली आपको विद इन वीक ये सारी प्रोसेस चली जाएगी। जरूर एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया यूपी की जरूर पढ़ें, जिससे आपको काउंसलिंग में एक हेल्प मिलेगी, आप कोई गलती ना करें। अब इस वीडियो में मैं यहीं पे जो है स्टॉप करता हूं। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी नोटिफिकेशन के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट रहें। तब तक मुझे आज्ञा दें, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।